Xiaomi पिछले कुछ दिनों से 108 मेगापिक्सल के सेंसर को टीज कर रहा है। ये सेंसर और ये कैमरा कौन से डिवाइस में आने वाला है और ये कब आएगा, जानने के लिए देखते रहिए। आज Xiaomi ने टीज कर दिया है कि उनका जो फ्लैगशिप डिवाइस है Mi 10 वो इंडिया के अंदर 8 मई को आने वाला है और इसी डिवाइस के अंदर Xiaomi देने वाला है 108 मेगापिक्सल का कैमरा और ये काफ़ी शानदार कैमरा होने वाला है एक बात मैं बता दूँ। मगर ये डिवाइस जो है वो फ्लैगशिप है और इसकी प्राइस भी काफ़ी फ्लैगशिप होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस स्मार्टफोन में अंदर आपको दी गई है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो चारों ओर से कवर्ड है। और अगर बात कर लें रिफ्रेश रेट की तो वो दी गई है 90 हर्ट्ज की और इसी के साथ इसके अंदर दिया गया है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। ये टच सैम्पलिंग रेट क्या करता है, जब आप स्क्रीन को टच करते हो तो उस टच को और भी ज़्यादा स्मूथ करने का काम यही टच सैम्पलिंग रेट करता है। और अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के अंदर लगाए गए कैमरा की। इस डिवाइस के बैक साइड के अंदर आपको दिया गया है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें पीछे की ओर जो मेन सेंसर लगाया गया है वो है 108 मेगापिक्सल का आइसोसेल ब्राइट मैक्स सेंसर, जिसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और जब लो लाइट के अंदर आप इस डिवाइस से फोटोग्राफी करोगे तो वो काफ़ी बेस्ट किस्म की निकल करके आने वाली है। इसी 108 मेगापिक्सल के नीचे की ओर लगाया गया है एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और जो दो कैमरा लगे हुए हैं वो है 2 मेगापिक्सल के एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा और दूसरा मेरे को जहाँ तक लगता है वो माइक्रो कैमरा होने वाला है। वो अभी तक कन्फर्म नहीं है कि कौन सा कैमरा उसके अंदर दिया गया है, मगर क्वाड कैमरा का सेटअप कन्फर्म दिया गया है इसमें। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी की। तो जो बैटरी इसके अंदर दी गई है वो है 4780 mAh की विथ फास्ट चार्जिंग और जो फास्ट चार्जर है 30 वोल्ट का वो आपको बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। इसके लिए भी Xiaomi को थम्स अप है। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए इस डिवाइस में आपको दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर जो है 5G इंटीग्रेटेड। इसी के साथ में जो इसकी परफॉर्मेंस को हाई लेवल तक ले जाने के लिए इसके अंदर लगाई गई है LPDDR5 वाली रैम और इसी के साथ में जो स्टोरेज टाइप है वो आपको मिलता है UFS 3.1 वाला और इन तीनों के साथ के अंदर एक कॉम्बिनेशन और दिया गया है जिसको मैं दी बेस्ट मानता हूँ, वो है इसके अंदर दी गई लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हो लिक्विड कूलिंग क्या करता है, जब गेम खेलते समय जब फ़ोन हीट करने लगता है तो उसी हीटिंग को बाहर निकाल देता है और जो लिक्विड कूल है वो काम करके फ़ोन को तुरंत ठंडा कर लेता है, जिसके कारण आपको हॉट थर्मल थ्रॉटलिंग्स काफ़ी कम देखने को मिलती है और फ़ोन भी लैग नहीं करता। अगर इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है वाईफाई 6 का सर्टिफिकेट और जो ब्लूटूथ मिलता है वो है 5.1 वाला और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग के अंदर जो स्लॉट लगाया गया है वो है USB Type-C का। तो ये थे कुछ लीक्स जो आ रहे हैं Mi 10 के रिगार्डिंग आपके लिए। मैं इसको वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, इस इन्फॉर्मेशन को और तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।